भेज रहे हो क्या मैं लावण्या? भेज रही हूँ। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं तब तक, ठीक है? हाँ बोलो। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेकंड पार्ट में है। गर्व बच्चे, यस बच्चे तेरे को पता है ना स्ट्रेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला वाली वो है, वो कौन सा है चैप्टर? सर, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला किसमें है? सर 28th चैप्टर है? सर 28th है, पहले एक आपने एक बार भेजा था 10th के ग्रुप में शायद। बुक तो एक बार देख ले, अगर है तो मेरे को भेज दे दोबारा, ओके मैं सर, स्टार्ट करा देखता दूं। हूँ। सर मेरे को ना एक डाउट भी था फंक्शन से, मैंने कहीं एक बोलो। पेपर में देखा था। सर इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू पावर 6x प्लस कॉस टू पावर 6x, रेंज निकालनी है इसकी। हाँ तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस, हो जाएगा। अभी ये क्लास के बाद एक बार ये ना फोन कर लेना, डिस्कस कर लेना तुम। चलो ओके सर, ऐसा करते हैं, आज एक टॉपिक ले लेते हैं, लोकस का ले लेते हैं, वो दैट विल बी बेटर कि टॉपिक जल्दी खत्म हो जाए। लोकस ये लेक्चर 1 है शायद, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो चीज देख लेते हैं। देखो बच्चे, लोकस वाला, लोकस का मतलब क्या होता है वो चीज एक बार ढंग से समझेंगे। जब भी किसी का लोकस निकालना है, लोकस का मतलब होता है मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट अंडर गिवन कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल आशी, यस सर। आशी बच्चे एक चीज बताना, एक पॉइंट पी है, इसका लोकस निकालना है सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी से इक्विडिस्टेंट है, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। पी को ऐसे मूव कराना है ताकि ये ए और बी से इक्विडिस्टेंट रहे हमेशा, ठीक यस है? सर। तो ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट पी इसके बीच में सेंट्रल पॉइंट के बीच में लाई कर सकता है, हाँ या ना? यस सर। अब पी पॉइंट नीचे लाई कर सकता है, यस सर। हो सकता है ना इक्विडिस्टेंट? तो अगर देखा जाए तो पी पॉइंट, अगर पाथ अगर इसका बनाया जाए तो एक लाइन आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। यहाँ पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, सही है? अब सोच के बताना बच्चे मेरे को, ये मैं बोलता हूँ ये लाइन जो है पी पी वाली लाइन, ठीक है? तो पी ए यस सर। इक्वल टू पी बी है कि नहीं? पी ए इक्वल टू हाँ पी बी जी है कि नहीं? सर। और पी पी जो है, ये वाली लाइन जो मैंने बोल्ड कर दी, पी पी लाइन जो है वो मीडियन होगी कि नहीं होगी इस ट्राइंगल के लिए, पी ए बी के लिए? सर। मीडियन आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमेशा परपेंडिकुलर भी होता है। यस सर। तो ए जो पी की, पी का लोकस आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग जॉइनिंग ए एंड बी। बात समझ आ गई? व्हाट इज द पाथ ऑफ पी? कोई डाउट? नो चलो अब लेट सपोज हमारे पास आता है कि मैंने बोला गर्व, गर्व, चलो कोई बात नहीं, सर। गर्व ए और बी दो पॉइंट्स हैं, हमेशा एक पी पॉइंट मूविंग पॉइंट पे हमेशा 90 डिग्री एंगल सब्टेंड करते हैं, तो व्हाट इज द लोकस ऑफ पी? व्हाट इज द लोकस ऑफ पी? क्वेश्चन समझ आ गया? बोलो। सर्कल चलो अभी यस सर, तुम्हारी आ मेरी आवाज गया नहीं आ रही, अर्नब। अर्नब सर। सर सर, सर्कल अच्छा होगा अच्छा एंगल इन सेमी सर्कल से।
क्यों होगा? क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. अगर पी पॉइंट अगर सर्कल में रह के मूव करेगा, जैसे ये एंगल भी क्या होगा 90 होगा, ये एंगल भी क्या होगा 90 होगा, तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. तो द लोकस ऑफ पी इज क्या होगा, जल्दी बताओ. एंगल सर लोकस जो सर्कल होगा पी सर्कल होगा, लोकस ऑफ पी इज सर्कल, पी इज सर्कल. तो लोकस का मतलब सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज द लोकस. लोकस का मतलब है एक पॉइंट, मूविंग पॉइंट, उसका पाथ क्या होता है, उस मूविंग पॉइंट जिसका पाथ हमें निकालना है. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि बच्चे लावण्या, जो आपने मेरे को भेजा है वो 3D भेजा है, मेरे को 2D चाहिए था, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. चलो कोई बात नहीं, अभी मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ, कोई बात नहीं, लावण्या मैं भेज दूंगा, मेरे को पता रहेगा. अब देखो बच्चे, जब भी लोकस निकालना है, लावण्या यस सर. लोकस जिसका भी निकालना है ध्यान रखना, उसके कोऑर्डिनेट हमेशा एच के मानने. क्या मानने? एच के जिसका भी मतलब लोकस निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट हमेशा एज्यूम कर लेना एच के. ठीक है, और दूसरी चीज, कहीं पे लिखा हो गिवन या ए बी सी, जो भी कॉन्स्टेंट्स आपके क्वेश्चन में लिखे हो, दैट आर योर नोन कॉन्स्टेंट. क्या होते हैं वो? नोन नॉन कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट. ठीक है, आंसर जो आएगा एच के और नोन कॉन्स्टेंट की टर्म्स में आएगा, एच के और नोन कॉन्स्टेंट की टर्म्स में आंसर आएगा. ठीक है, और ओके ध्यान रखेंगे पैरामीटर्स अगर होंगे इक्वेशंस में एलिमिनेट करने होते हैं. कहीं पे बोला पैरामीटर है, ये दिस इज अ पैरामीटर, दैट मीन इट हैज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द इक्वेशन, इट हैज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द इक्वेशन. आंसर हमेशा लोकस के कोऑर्डिनेट क्या लेट कर रहे हैं? एच के. आंसर हमेशा गिवन क्या आएगा किसी टर्म्स में? एच के प्लस नॉन कॉन्स्टेंट. कोई डाउट है? नो सर. चलो अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं. जल्दी से बोलना. ये क्या होता है निर्मित? यस सर. एक पॉइंट पी है, ठीक है, यस सर. उसका लोकस निकालना है सच दैट ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है ए कॉमा जीरो और इसके कोऑर्डिनेट है -A,0. ओके ठीक सर. है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट पी सच दैट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी. पी इज यस सर. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. अच्छा, अब इसके अंदर पहले सबसे पहले बता पी के कोऑर्डिनेट क्या मानूंगा मैं? सर एच के. एच क्यू क्यों मानूंगा? क्योंकि ये लोकस के कोऑर्डिनेट है. सही है. दूसरी बात मेरे को बता, नॉन कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? सर ए ए और माइन ए, ए बस 0 माइन बस ए. एच आंसर किसकी टर्म्स पे आना चाहिए? एच एच के और ए. कोई भी इक्वेशन कैसे भी लेके आओ जो एच के और ए की टर्म्स पे हो. क्या गिवन ओके है? सर. पी ए इक्वल्स टू पी बी पी बी. पी ए कितना आएगा? एच डिस्टेंस माइनस ए फॉर्मूला का होल स्क्वायर, के माइनस 0 का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर. ये आ गया ए इक्वल्स टू पी बी. पी बी कितना हो गया? एच प्लस ए का होल स्क्वायर, के माइनस 0 का होल स्क्वायर. सही है कि नहीं? ओके सर. यस सर. तो ये आ गया एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए एच प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए एच प्लस के प्लस के स्क्वायर. स्क्वायर तो सर. के एच स्क्वायर से स्क्वायर के एच स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल. तो ये के आ स्क्वायर. गया 4 ए एच इज इक्वल टू 0. तो आंसर आ गया एच इज इक्वल टू 0. ये कोई डाउट है? नो सर. इस इक्वेशन में एच के ए नहीं है तब भी, बट आंसर तो एच के ए की टर्म्स में ही है ना. यस सर. तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस. ठीक है. ओके सर. अच्छा, अब मेरे को बोलेगा निशी बच्चे, नहीं सॉरी आशी बच्चे, यस सर. एक लोकस निकालना है एक पॉइंट पी का सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए कॉमा बी एंड एक्स एक्सिस. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. पी पॉइंट का लोकस निकालना है सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए कॉमा बी एंड एक्स एक्सिस. कोई डाउट? नो सर. चलो अब इसको पहले फिगर देखते हैं, बनाते कैसे हैं. पी पॉइंट ये ले लो, पी जो है वो इक्विडिस्टेंट है ए कॉमा बी से और कहां से?
एक्स एक्सिस, ये होगी ना एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी पी ए और ये बी, पी ए इक्वल्स टू क्या गिवन है, पीबी ये गिवन है। अब मेरे को एक चीज बताओगे, आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? सर एच के ए और बी की फॉर्म एच में। के, एच के ए बी की टर्म्स में आंसर आना चाहिए। अच्छा निशी बच्चे, आशी बच्चे ये बताओ कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? प्लॉट करते हैं एच के को, ये एच होता है और ये के होता है, हाँ या ना? यस सर। तो बी के कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें तो एच कॉमा जीरो लिखेंगे। यस सर। अब पी ए इक्वल्स टू क्या है, गिवन है पी बी, पी ए कितना आया, पी ए कितना आया, एच माइनस एच हो, हाँ बोलो, एच माइनस ए हो, ए होल स्क्वायर, हाँ के माइनस बी का होल, के माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी कितना आया के माइनस जीरो होल स्क्वायर, के माइनस जीरो का होल स्क्वायर, बस के ही आएगा ना। यस सर। सोच के देखो ना, ये डिस्टेंस के है ना, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एच प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी के इज इक्वल टू के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, आंसर दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट? नो सर। चलो अब एक क्वेश्चन आता है, अब बोलेगा अर्नव। यस सर। अर्नव एक रॉड है लेंथ एल की, एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या है, एल, एल वो स्लाइड करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, स्लाइड करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, सही है, यानी ऊपर okay, नीचे जाती है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ स्लाइड करती है तो ये ऐसे ऐसे एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग स्लाइड करती है, देन फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दिस रॉड। क्वेश्चन समझ आ गया सर? अच्छा ठीक है, ओके सर। अच्छा आप मेरे को सबसे पहले बता कि पी के कोऑर्डिनेट को क्या मानेंगे, एच कॉमा के। अच्छा आंसर किसकी टर्म्स में आएगा सर? ए बी एच के और पी के। ए बी कहाँ से आ गया, ए बी नॉन कॉन्स्टेंट होती है? नो सर, एच के और एल। सर फिर ये पी के है बीच में, पी तो कोऑर्डिनेट है ना जो जिसका लोकस निकाल। अच्छा ओके ओके, आंसर किसकी टर्म्स में आएगा, एच के और एल। अच्छा अब मेरे को आंसर लेके आना है, ए के कोऑर्डिनेट क्या मान सकता हूँ, एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट क्या मान सकता हूँ सर? एक्स कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो मान लेता हूँ और इसको जीरो कॉमा बी मान लेता हूँ, ठीक है? यस सर। अच्छा अब मेरे को जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री, ये लेंथ कितनी हो गई ए, ये लेंथ कितनी हो गई और ये लेंथ कितनी हो गई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया सर? ए एल स्क्वायर, एल स्क्वायर आया। ए की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस जीरो बाय टू कितना सर? ए प्लस जीरो बाय टू, यस सर। और बी प्लस जीरो बाय टू इज इक्वल टू के। इस इक्वेशन में फालतू क्या चीजें हैं जो मैंने मार्क कर रहा हूँ अंडरलाइन सर? एल फालतू है सर, ए और बी फालतू, ए और बी फालतू। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, एच टू एच, टू एच। और बी की वैल्यू क्या है, टू के इज इक्वल्स टू एल, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, फोर एच स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर, फोर के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट है? नहीं सर। समझ आ गया? यस सर। चलो अब जैसे अगर एक क्वेश्चन आता है सर, एक बार पीछे वाली स्क्रीन कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। हाँ कोई बात नहीं। लावण्या बच्चे, लावण्या यस सर। अब आपने बताया एक पॉइंट है पी जिसका लोकस निकालना है, सच दैट इन दोनों पॉइंट से ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं, माइनस ए कॉमा जीरो और दूसरा पॉइंट दे रखा है ए कॉमा जीरो,
such that PA plus PB, sum of its distances from two fixed point A0 and minus A0 is always equal to 2A. Okay? Okay, sir. Prove that the locus of P is x square by A square plus y square by B square is equal to 1. B square की वैल्यू दे रखी है a square into 1 minus e square. कोई डाउट है क्वेश्चन में? No sir. किसका लोकस निकालना है? P का लोकस निकालना है such that the sum of its distances from a0 and minus a0 is always equal to 2a. Prove that its locus is this. कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? No sir. अच्छा अब आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? So h k and a e. एच के ए ई सही है. अच्छा पी ए, पी ए कितना आया जल्दी बताओ. सर पी ए रूट एच माइनस एच प्लस ए ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. पी बी रूट एच माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. अच्छा अब जो आपको प्रूफ करना है ये प्रूफ करना है ठीक है ना. अब यहाँ पे इसको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी ना. यस सर. प्लस के स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू टू ए माइनस अंडर रूट में एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. स्क्वायरिंग की एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस टू ए एच प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर ठीक है. प्लस इसका होल स्क्वायर क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए एच प्लस के स्क्वायर और माइनस फोर ए इंटू अंडर रूट एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. कोई डाउट है बच्चे लावण्या? नो सर. ठीक है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया यहाँ पे ए माइनस बी का होल तो ए स्क्वायर लिखा फिर बी स्क्वायर वही एच स्क्वायर प्लस इसका पूरा होल स्क्वायर क्या आएगा वो ये लिखा. अब देखते हैं हमारे पास आया क्या. देखो अब जो जो कटा है वो क्या क्या कट रहा है लावण्या? एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है. यस सर. ए स्क्वायर ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है. यस सर. के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है. अच्छा yes, अब यहाँ पे ये अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये आ जाएगा फोर ए ई एच आएगा माइनस फोर ए स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू माइनस फोर ए इंटू ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए ई एच प्लस के स्क्वायर. कोई डाउट? नो सर. चलो अब माइनस फोर ए से माइनस फोर ए कट जाएगा पूरा. यस सर. तो ये आ जाएगा अगर फोर ए कट गया तो ये और माइनस फोर ए से ई एच माइनस ए आ गया. स्क्वायरिंग कर दो ई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए ई एच आया इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए ई एच प्लस के स्क्वायर. सही है? यस सर. चलो अब ई स्क्वायर एच स्क्वायर अब देखो कुछ कट रहा है टू ए ई एच से टू ए ई एच कट गया. यस सर. तो यहाँ पे देखो एच स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है एच स्क्वायर और ये इंटू वन माइनस ई स्क्वायर. सही है? यस सर. अब के स्क्वायर यहाँ पे है ठीक है और यहाँ पे आया ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ई स्क्वायर. ठीक है कि नहीं? यस सर. अब इससे अगर इस पूरी चीज से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वन इज इक्वल टू क्या आएगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा. यस सर. ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर. कोई डाउट? नो सर. अब एच को एक्स लिख दिया इन्होंने और के को क्या लिख दिया वाई. सही है? बस और कुछ नहीं किया. तो क्या आ गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो गिवन था आपका वही है. ठीक है ना? सर तो इसमें एक्स और वाई लेके भी कर सकते थे ना सर? बिल्कुल बच्चे एक्स वाई लेके भी कर सकते हो. एच के मैं जानबूझ के लिखता हूँ आप एच के जगह एक्स वाई लिख दो कोई दिक्कत नहीं. सर क्या? हाँ बोलू. सर आपने फोर्थ स्टेप के अंदर सर जहाँ पे आपने फर्स्ट वाली स्क्वेयरिंग की है एच प्लस ए प्लस एच प्लस ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये वाला. हाँ जी सर यही दोनों स्टेप इसमें आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया है ना?
बिल्कुल तो सर ये फिर दूसरा वाला माइनस फोर ए एच ए अंडर रूट एच माइनस ए का स्क्वायर कहाँ से आ गया? बच्चे, ये अगर मैं एक टर्म मानता हूँ, मैं एक परी येलो पेन से मार्क करता हूँ, ये ए मान ली, पहली एक्स वाली टर्म मान ली और ये वाई हो गया। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स अच्छा स्क्वायर प्लस ओके वाई सर, समझ स्क्वायर गया माइनस टू। सही समझ गया सर। है? वो तुमने यस गलत कर सर, रहे हो थोड़ा सा। सही है, यस सर। चलो एक और चीज देखते हैं। निर्मित बच्चे आप बोलो। ओके सर, बच्चे एक कर्व है, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सही है। ओके सर, अब फाइंड द लोकस, एक पॉइंट है पी डब्ल्यू, ठीक है, दैट इज सर अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा। एक पॉइंट है नहीं सॉरी, एक पॉइंट है इसी कर्व पे, एक मैं रब करता हूँ, एक पॉइंट है इसी कर्व पे अल्फा कॉमा बीटा जो इस कर्व पे लाई करता है, ठीक है। ओके सर, देन व्हाट यू हैव टू डू इज, एक क्वेश्चन था, जैसे एक हमें लोकस निकालना है, एक पॉइंट ओ है और अल्फा बीटा इस कर्व पे लाई करता है, इसके कोऑर्डिनेट क्यू मान लेते हैं। हमें एक पॉइंट पी का लोकस निकालना है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू। क्वेश्चन ओके समझ आ गया? सर, ओके सर, ठीक है, ये बात समझ आ ओके गई। सर, ओ इज यस ऑरिजिन, सर, ओ इज ऑरिजिन, ठीक ओके है। सर, एक पॉइंट क्यू लाइज ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देन फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू वेयर ओ इज द ऑरिजिन। कोई क्वेश्चन में डाउट? ओके, नो सर। चलो अब मेरे को एक चीज बताओगे कि जल्दी से बताओ कि कैसे करना है, आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? सर आंसर एच के अल्फा बीटा। एच के, एक मिनट, जो ए पॉइंट नहीं, एक मिनट, जो नहीं, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, ये गिवन नहीं, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओ ऑरिजिन दे रखा है, एक क्यू पॉइंट इस कर्व पे लाइक करता है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू, ठीक है, बस ये गिवन। ओके सर, आंसर किसकी टर्म से आना चाहिए? एच के और ए की टर्म। डाउट तो नहीं? नो सर, लेट दिस पॉइंट बी एक्स वन वाई वन, ओके सर, एक्स वन प्लस 0/2 इज इक्वल टू क्या आ गया? सर, वाई वन प्लस 0/2 इज इक्वल टू क्या आ गया? यस सर, एक्स वन इक्वल टू 2h हो गया, वाई वन इज इक्वल टू 2k हो गया। हाँ, यस सर, यस सर, तो एक्स वन वाई वन किसको सेटिस्फाई करेगा? सर जो वाई इक्वेशन गिवन है स्क्वायर, उसको सेटिस्फाई करेगा ना। यस सर, वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। वाई वन की वैल्यू क्या है? 2k सर का टू होल स्क्वायर केस, हो गया, 4a into 2h। बात समझ आ गई? दिस इज द ओके सर, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लूप। ओके डाउट तो सर, नहीं? नो सर। चलो सर एक बार वो आशी बता दो मुझसे जिसमें 90 डिग्री पे दिया हो, दो लाइंस का और नाइनटी उसका नहीं। डिग्री मतलब सर जैसे दो दो लाइंस 90 डिग्री पे है तो उस पॉइंट का लोकस निकाल लें। सर जैसे हमने जो पहले बता, बताया था सर, एक मिनट रुको, अभी करवा दूंगा। अब आशी बच्चे, यस सर, आशी बच्चे एक चीज बताना। मेरे को एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए 0 0, बी ए कॉस अल्फा, बी साइन अल्फा, और सी दे रखा है ए साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा। सही है। यस ए सर, साइन अल्फा, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा। सही है। अब यस हमें सर, इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है, इसके सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। अल्फा इज अ पैरामीटर, अल्फा इज अ पैरामीटर पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर मतलब वेरिएबल है। आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? हाँ, सर ए एंड बी, ए बी एच के, यस सर, ए एच बी एच के के, अल्फा की टर्म्स में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्फा इज अ पैरामीटर, पैरामीटर। अच्छा अब जल्दी बताओ सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? सर 0 प्लस ए कॉस अल्फा प्लस
साइन अल्फा अपॉन थ्री इज इक्वल टू एच आ गया। यस सर। तो अगर मैं ये देखा जाए तो 3h अपॉन a इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस sin अल्फा आ गया। यस सर। अच्छा ऐसे ही दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा जल्दी बोलो। सर 0 प्लस b sin अल्फा माइनस हां बोल। b cos अल्फा अपॉन 3 इज इक्वल टू k। ओके अब यहां से आ गया 3k अपॉन b इज इक्वल टू sin अल्फा माइनस cos अल्फा। सही है ठीक है। अब ये बताओ अगर मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं इससे अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा। यस सर। तो आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो क्या आएगा पहले वाले से cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin अल्फा cos अल्फा ठीक है। दूसरे वाले को करोगे तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin अल्फा cos अल्फा आएगा। सही है इक्वल टू 3 9h स्क्वायर / a स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर / b स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। ये दोनों तो कट जाएंगे दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा क्योंकि ये 1 आ जाएगा yes, ये पूरा 1 आ जाएगा तो इक्वेशन ऑफ लोकस इज ये। कोई डाउट? नो सर। एक और पैरामीटर पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे अब बोलेगा कोई और बच्चा बोलना नहीं कोई और बच्चा बोलना चाहता है। सर मैं बोल। सर द्वार। कौन? सर अर्नव। अर्नव बोलो चलो उसके बाद गर्व बोल देगा ठीक है। अर्नव बोलो ये दो लाइंस हैं एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी वन और ये लाइन है एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी टू। Find the locus of point of intersection of these two lines. सही है? Yes sir. अच्छा, where alpha is a parameter? Alpha is a parameter. Parameter. जल्दी बताओ आंसर किसकी टर्म्स पे आएगा? Sir p1 p2 h और k. Very good. H k p1 p2. ठीक है? H k p1 p2. तो H के दोनों में क्या करेंगे? Sir squaring and adding. सेटिस्फाई करेंगे ना पहले तो। हाँ पहले सर सेटिस्फाई। एच साइन अल्फा एच साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी टू और एच कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू पी वन स्क्वायर प्लस पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर करके देख लेना आंसर आ जाएगा। यस सर। चलो अब एक और गर्व। Yes, sir. गर्व एक चीज बताना बच्चे एक लाइन है ठीक है इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x cos alpha plus y sin alpha equals to p ये इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस को a और b पे ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी वेयर अल्फा इज अ पैरामीटर ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है a पे y एक्सिस को b पे ठीक है और हमें लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ab निकालना है। क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। अच्छा मैं इस कोऑर्डिनेट में आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? सर ab और p। ab और p। ab और p सर p a, नहीं ab h k और p सही है ना एच के ये है ए और बी गिवन थोड़ी ना कॉमा जीरो और बी कॉमा जीरो पे गिवन नहीं है ना बोला थोड़ी ना मैंने ए इंटरसेक्ट करती है इसको मान लिया ए जीरो और इसको मान लिया जीरो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर। पी कोई भी रैंडम पॉइंट लाई कर रहा है ना एबी पे। हाँ मिड नहीं मिड पॉइंट है पी। अच्छा मिड पॉइंट ओके सर ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ ए जीरो इसके अंदर क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा और जीरो बी भी इसके अंदर क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा तो ए कॉस अल्फा प्लस जीरो इक्वल्स टू पी तो ये कितना आ गया ए इक्वल्स टू पी अपॉन कॉस अल्फा। ऐसे ही जीरो बी सेटिस्फाई करेंगे तो जीरो प्लस बी साइन अल्फा इक्वल्स टू पी आएगा तो बी इक्वल्स टू पी अपॉन साइन अल्फा ठीक है। अब ए प्लस जीरो बाय टू कितना आएगा एच
जीरो प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कितना आएगा के, तो ए की वैल्यू टू एच, टू एच इज इक्वल टू पी बाय कॉस अल्फा और टू के इज इक्वल टू पी बाय साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन टू एच और साइन अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन टू के, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं? यस सर। तो पी स्क्वायर बाय फोर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय फोर के स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट है? नो सर। चलो ये बात सबको समझ आ गई है। सुधांशु बच्चे रिकॉर्डिंग बंद कर दो।